नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग सभी को नमस्कार दोस्तों मेरा कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है दोस्तों अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जहां मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद उम्मीद कर मेरी आवाज और विजुअल्स आप तक तो पहुंच रहे हैं कि हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं आ, सभी दोस्त बताएं मुझे कि हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं प्रारंभ कर सकते हैं लेक्चर को अपने आज के चलिए सभी को नमस्कार सभी को प्रणाम दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन आपके साथ द हिंदू एडिटोरियल 360 अपना उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं हेलो राजीव सुधा वीरू अजय एकलव्य सभी को नमस्कार मेरा यहाँ पर दोस्तों Uh, आज के आर्टिकल पर हम लोग आते हैं सीधा uh, पहले मैं आऊंगा पे आज के बात करेंगे बाद में इस पर uh, पहला आर्टिकल दोस्तों आज का है आपका ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार जी हाँ दोस्तों uh, मुद्दा है ग्रेट निकोबार में क्या हो रहा है ग्रेट निकोबार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वहां पर गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दिए प्रोजेक्ट की उसको लेकर सवाल संशय बने हुए हैं uh, प्रारंभ करें प्रारंभ करें दोस्तों जल्दी से एक बार जल्दी से शेयर करो लाइक का बटन दबाओ नहीं दबाया तो अगर आपने और बताओ हम लोग शुरू कर सकते हैं जल्दी से यार एक बार शेयर करो फटाफट वोड़ सेशन को यार चलिए क्या हो रहा है ग्रेट निकोबार में पैलेस की बात करते हैं दोस्तों समझिएगा पहले बात करें ग्रेट निकोबार में क्या हो रहा है तो ग्रेट निकोबार का मैप देखते हैं पहले तो आपके संग फिर हम बात करेंगे आपके साथ यहां पर द ग्रेट निकोबार ये है अपना अंडमान निकोबार दोस्तों मैप देख रहे हैं यहां पर अंडमान निकोबार का यहां पर सरकार क्या कर रही है ऊपर के आइलैंड कहलाते हैं अंडमान दोस्तों उसके बाद ये नीचे के निकोबार कहलाता है पूरा और उसमें कार निकोबार है या अपने काम के हैं लिटिल निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार दोस्तों सबसे अगर मैं कहूँ साउथ में आप देखेंगे तो ग्रेट निकोबार मिलेगा आपको यहाँ पर ठीक है सर आ, ग्रेट निकोबार में क्या हो रहा है तो ग्रेट निकोबार में सरकार बहुत बड़े स्केल पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लगा रही है अवसरचना परियोजनाएं लगा रही है अल्टीमेट गोल है इसको एक हब बनाने का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने का दोस्तों अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना चाहते हैं जहां बंदरगाह होगा एक मॉडर्न सिटी होगी पूरा आधुनिक शहर होगा अपने आप में दोस्तों टूरिज्म होगा बड़े स्केल पर जैसे मालदीव टूरिज्म है वैसे टूरिज्म होगा यहाँ पर इको स्पोर्ट्स होंगे एन्वायरमेंट स्पोर्ट्स होंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसा मानना है सरकार का स्कूबा डाइविंग आदि यहाँ पर एडवेंचर काम किए जाएंगे वॉट तो ग्रेट निकोबार को एक मॉडर्न पोर्ट हब बनाने का उद्देश्य है बड़े बड़े जहाज़ आ सके बड़ा बंदरगाह हो सके तो कॉमर्स एंटरटेनमेंट टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक केंद्र बनाने का उद्देश्य है ग्रेट निकोबार को जब तक वहाँ जंगल फैले हुए हैं वहां पर एक बंदरगाह निर्मित करने का प्रयास है सरकार का ठीक बात है तो ये अंडमान ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात हुई ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है इसका खाका तैयार किया है नीति आयोग ने नीति आयोग इसका इसका डिज़ाइन तैयार किया है और इसका इम्प्लीमेंट करने का काम दे दिया एक संस्था को एक नई कंपनी बनाई गई है दोस्तों इस काम के लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे निची तरफ लिखा है इसका नाम इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम अंडमान निकोबार हम बात कर रहे हैं दोस्तों ए एन आई आई डी सी ओ ये कंपनी बनाई है नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग इसका पूरा प्लान तैयार कर रहा है परियोजना का संचालन कर रहा है और एक कंपनी बनाई गई है इस परियोजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक है दोस्तों नियरली सेवेंटी थाउजेंड करोड़ भी इस खर्च होंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर सेवेंटी थाउजेंड में करने क्या वाले हैं हम लोग तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार करने वाले हैं बड़े बंदरगाह तैयार करने वाले हैं जिसकी क्षमता काफ़ी अच्छी हो यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार करने वाले हैं जो हर घंटे चार हज़ार पैसेंजर टूरिज़्म बढ़ेगा तो पैसेंजर लेके जा सके दोस्तों यहाँ पर एक गैस और सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा क्योंकि आवश्यकता होगी बंदरगाह को भी और एयरपोर्ट को भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी दोस्तों बिजली की आवश्यकता होगी उसको पूरा कर सके इसके अलावा यहाँ पर एक टाउनशिप घर बनाए जाएंगे आवास बनाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रयास होंगे यहाँ पर एक प्रयास किया जाए बहुत सारे ट्री आ, 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 लगा हटा कर यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट कर सकें आदि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें तो ये काफ़ी प्रोजेक्ट है बाकी है काफी ही प्रोजेक्ट है दोस्तों सत्तर हज़ार करोड़ खर्च हो रहे हैं इस काम के लिए इम्प्लीमेंट करेगी एन ठीक है यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है सर

आ, सरकार ने बहुत सारे इलाके जो नेशनल पार्क थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उनको डी नोटिफाइड कर दिया यानी वो इलाका वन्यजीय अभ्यारण था कल तक सरकार का नहीं निकल से नहीं होगा डी नोटिफाइड कागज़ मटा दिया नाम उसका जी हाँ हमने डी नोटिफाइड कर दिया इसको यहाँ पर डी नोटिफिकेशन कर दिया हमने वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ये दिखाता है सरकार कितनी आतुर है कितनी जल्दबाजी में इसको काम कर रही है ठीक है अभी इस द्वीप की आबादी आठ है दोस्तों ग्रेट निकोबार की पूरे अंडमान निकोबार की आबादी लगभग तीन लाख है इतने ही टूरिस्ट यहाँ पर हो सकता है दोस्तों हर दिन यहाँ पर हो सकता है कि ये हर मतलब कहना चाहिए मुझे यहाँ पर एक टूरिज्म की संख्या देखें तो हर साल लगभग तीन लाख लग से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं है। जितनी आबादी है उतने ज़्यादा ही टूरिस्ट यहाँ पहुँच सकते हैं नहीं उम्मीद कर रहे हैं बहुत बड़ा हब बनने की चांस इसके अंदर हैं दोस्तों ठीक है तो अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन हो रहा है दोस्तों शहरीकरण हो रहा है लेकिन किस कॉस्ट पर इकोलॉजी की कॉस्ट पर एनवायरमेंट की कॉस्ट पर शहरीकरण परियोजनाएं बन रही हैं समुद्री जैव विधता खत्म हो रही है धरती जैव विधता खत्म हो रही है लेकिन सरकार कहती है जनाब ये तो एकीकृत है समग्र है क्योंकि आपने नाम देखा क्या है संस्था का जिसको बना रही है एकीकृत विकास निगम यानी कहीं ना कहीं सरकार बोलिए भी कम्प्रेंस सबका विकास होगा जो वन प्लानिट वन अर्थ वन हेल्थ की हम बात करते हैं यहाँ वन्य जीव की वे भी रहेंगे जानवर भी रहेंगे जंगल भी रहेगा समुद्र भी रहेगा सब कुछ रहेगा और विकास भी होगा तो ये सरकार की सोच है दोस्तों यहाँ पर बाकी याद रखिएगा अंडमान निकोबार जो दीप समूह हमारे जो खासकर नि, ग्रेट निकोबार है दोस्तों ये 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था जस्ट अ मिनट 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों यहां पर और 2013 में इसे शामिल किया गया मैन एंड बायोस्फीयर इज प्रोग्राम में मैप प्रोग्राम बोलते हैं यूनेस्को का इस साल 50 साल पूरे कर रहा है दोस्तों मैप प्रोग्राम इस्टब्लिश uh, हुआ था 1971 में लेकिन पहला मैप घोषित हुआ था दो नाइनटीन में तो इस साल 50 साल पूरे कर रहा है फंक्शन चल रहे हैं बहुत सारे यूनेस्को में इस समय तो मैप प्रोग्राम के 50 साल पूरे हो रहे क्वेश्चन यहाँ पीटी में आ सकता है आपके लिए लेकिन 2013 में मैप कार्यक्रम में शामिल किया गया हमारे ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व को मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर इस समझ पाए जो मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या नाइनटीन में लॉन्च किया गया मैप प्रोग्राम पहला मैप बायोस्फेर रिजर्व नाइनटीन में आया दोस्तों दो में अंडमान निकोबार में आने वाला ग्रेट निकोबार जो है दोस्तों इसे जो ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व है इसे घोषित किया गया मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया याद रखिएगा तो ये कहीं ना कहीं बायोस्फेर रिजर्व बनाया गया एटी में दोस्तों इसको और 2013 में आकर घोषित कर दिया गया इसको यूनेस्को के खास प्रोग्राम मैप मैन एंड बायोस्फेयर में दोस्तों इसको शामिल कर लिया गया ठीक है यहां तो कोई समस्या आपको नहीं होगी फाइन सर याद रखिएगा राइट नाउ बारह बायोस्फे रिजर्व है इसको मैं करेक्शन करा रहा हूं आपको यहां पर दोस्तों कल एक क्लास में बोला तेरह है तो मैं आपको करेक्शन करा दू यहां पर बाया बायोस्फे रिजर्व इंडिया के जो मैप कार्यक्रम में शामिल है याद रखिएगा कल क्लास बात चल रही थी किसने कहा तरह थे मैं कहा था कंफर्म बताऊंगा आपको मैं तो वेबसाइट पर यूनेस्को की वेबसाइट पर दिया गया दोस्तों उसके बारे में आज ही मैंने अपडेट किया बारह हमारे जो अठारह में से बारह बायोस्फे रिजर्व है दोस्तों मैप कार्यक्रम में शामिल हैं अंतिम था पन्ना जिस दो में इसको शामिल किया गया था बाकी कंचनजंगा अगस्ता मलाई ग्रेट निकोबार बताया दो में शामिल किया गया था अचानक अमार सिमलीपाल पंचमणि नोकरेक नंदा देवी सुंदरवन मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी दोस्तों ऑर्डर वाइज आप देख सकते हैं साल 2000 से लेकर 2020 के बीच में लगभग हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया अंडर द कैटेगरी ऑफ मैप प्रोग्राम या मैन बायोस्फीयर दोस्तों ठीक है ठीक है सर अब इसको बनाया क्यों जा रहा है परियोजना की जल्दबाजी क्यों है क्योंकि सिंगापुर जो है दोस्तों एक इंटरनेशनल पोर्ट है उससे हमें कॉम्पीट करना है उससे प्रतिस्पर्धा है हमारी कि सिंगापुर की तर्ज पर ही हम यहाँ तैयार करेंगे अपना खुद का पोर्ट दोस्तों जी हां तो एक प्रकार से ये एक कहते हैं ना हम लोग कहते हैं सुसाइड ऐसी यहां पर कह रहा है इकोसाइड है अपने यहाँ पे एनवायरमेंट को मारने का प्रयास हो रहा है पूरा यहाँ पर तो इकोसाइड अपने आप में जेनोसाइड बोलते हैं हम लोग होमोसाइड बोलते हैं ये सुसाइड बोलते हैं ये इकोसाइड है एक प्रकार से ये अपने पर्यावरण को मारने का प्रयास है वॉट एवर पॉइंट बात है दोस्तों यहाँ पर कई सारे समूह रहते हैं जो बहुत ही आदिम हैं जो कि बहुत ही प्रमेटिव हैं बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल समूह है दोस्तों इनको पी बोलते हैं हम लोग कमज़ोर रूप से जनजातीय समूह पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप रहते हैं दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर जैसे निकोबारी लाइक शोम्पेन जो हज़ारों सालों से रह रहे हैं

कहाँ कर रहे हैं अंडमान निकोबार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को काट कर इंटेंस बायोडाइवर्सिटी को काट कर मध्य प्रदेश और हरियाणा में हम लोग जंगल लगा रहे हैं बधाई हो ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखें तो ग्रेट निकोबार में वनों को नुकसान कर रहे हैं उसके बाद एम पी में और हरियाणा में वनीकरण किया जाएगा तो निश्चित तौर पे अपने मजाक की बात है कहीं ना कहीं दोनों का इकोसिस्टम अलग है दोनों के अंदर जीवित जानवरों की संख्या अलग होगी अब यहां पर जो जानवर का शिफ्ट करेंगे उसको मध्य प्रदेश के अंदर नहीं कर सकते ना तो अपने आप में कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार की शिफ्टिंग का दोस्तों ठीक है इसके अलावा यहां कोरल रीफ से दोस्तों कोरल रीफ समुद्रों के लिए अपने आम इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वो नष्ट हो रही हैं यहां पर ब्लीचिंग हो रही है वो नष्ट हो जाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ के जीवों का क्या किया जाएगा इस पर कोई कमेंट नहीं किया गया है उसके अलावा ई रिपोर्ट पर सरकार ने जब परमिशन दी तब ये चेक नहीं किया कि अंडमान निकोबार टेक्टोनिक रूप से अस्थिर है आप जानते हो रिंग ऑफ फायर के पास है टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही हैं द जो हमारी यूरेशियन प्लेट है वो हमारी इंडियन प्लेट से वहाँ टकरा रही है दोस्तों और अंडमान निकोबार के आसपास लगातार सुनामी भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं हमने 2004 की सुनामी इसको देखी है यहाँ पर तो इम्पोर्न बात है दो की सुनामी इस भूकंप के बाद हमने देखा ग्रेट निकोबार नीचे ला गया था इसका लंबा सर नीचे ला गया था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है फिर से फिर से वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है यानी कहीं ना कहीं ये टेक्टोनिक प्लेट अस्थिर है अभी पहले नीचे ली गई थी फिर अस्थिरों के ऊपर आ रही है थोड़ा सा ये अब यहाँ बंदरगाह बना दिया कल और ऊपर आ गया तो क्या होगा बंदरगा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म आपका यहाँ पर जी हाँ यानी कि ई ने पक्की बात है इसका टेक्ट टेक्निकॉल मैं कहूँ यहाँ पर किस प्रकार से इसका प्लेट टेक्टोनिक स्टडी नहीं किया है यहाँ पर राइटर कहता है कि हम मान सकते हैं कि ई ने शायद ही ग्रेट निकोबार के आसपास टेक्टोनिक आ, जो सेटलमेंट है टेक्टोनिक यहाँ पर स्टेबिलिटी है इसका स्टडी किया हो बहुत ही कम चांस हमको यहाँ दिखाई देते हैं ठीक है तो यानी कहीं ना कहीं अस्थिर अपने आप में ग्रेट निकोबार जो पहले उठी हुई थी भूकंप के दौरान नीचे चली गई थी दोस्तों और फिर ये धीरे धीरे अपने स्तर पर आ रही है ऐसे में सवाल उठता है कि आपने टेक्टोनिक स्टडी किया बंदरगाह बनाने से पहले सेवेंटी सरकार का स्टडी किया नहीं तो आवश्यकता जो दोस्तों पर लास्ट में राइटर कह रहा है हमारा यहां पर आप जो परियोजनाएं बना रहे हैं वो अस्थायी नेचर की होंगी नॉन टेम्प्ररी टेम्प्री बेसिस की होंगी दोस्तों यहां पर ये तो ग्रेट निकॉब जो किया रहा है अनसस्टेनेबल है काफी वो अपने आप में पर्यावरण को नष्ट करेगा टेम्परी परियोजनाएं बनेंगी दोस्तों जीडीपी से विकास का कोई मतलब नहीं जी डी बढ़ भी जाए लेकिन डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा यहाँ पर लोगों का जीवन का नष्ट होगा वन्य जीवों का जीवन नष्ट होगा इस परियोजना के बनने से पीएम साहब का जो ग्रीन डेवलपमेंट का मॉडल है दोस्तों हमारा उस पर बाधाएं हाँ आ सकती हैं वो चैलेंज किया जा रहा है जी हां यह है आपका ग्रीन आ, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दो मिनट सुन लीजिए कुछ और जोड़ रहा हूं मैं आपके लिए यहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अगर खास बातें सुन लीजिए कहां पर है ग्रेट निकोबार आप देख रहे हैं लास्ट वाला आइलैंड नीचे वाला आइलैंड जो है ग्रेट निकोबार है दोस्तों यहाँ पर सरकार बनाना चाहती है एक बड़ा हब तैयार करना चाहती है टाउनशिप बनाएगी यहाँ पर सेवेंटी थाउजेंड करोड़ का वह होगा यहाँ पर दोस्तों खास बात क्या है समझिएगा खास बात क्या है यहाँ पर एक लोकेशन मैं चाहूंगा आपके अंडरलाइन कर रहा हूँ आपकी लोकेशन को मैं प्लीज नजर रखिएगा इस लोकेशन पर गैलाथिया की खाड़ी दोस्तों बे ऑफ गैलाथिया की बात करें तो गैलाथिया बे देख रहे हैं आप यहाँ पर जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है घोंसले या अंडे देने का केंद्र है दोस्तों लेदर बैक टर्टल्स का जो वो कछ कच्च, समुद्री कछुए इनकी खाल चमड़े के नुमा होती है लेदर बैक टर्टल्स दुनिया के समुद्री कछुए जिनका अंडे देने का जिनकी नेस्टिंग का सबसे बड़ा ग्राउंड है गैलेथिया खाड़ी है आपकी उसे नष्ट कर रहे हैं बंदरगाह बना रहे हैं दोस्तों हम लोग जी हाँ तो एंजीमेटिक जॉइट जा, टर्टल बहुत बड़ा होता है अपने आप में ये बहुत ही लेदर बैक टर्टल दोस्तों आपका ये तो दुनिया तोड़े कछुओं में से एक आते हैं दोस्तों ये तो कहीं ना कहीं उसका लेदर बैक टर्टल का दोस्तों अपने आप में ये नेस्टिंग पॉइंट है वो नष्ट हो जाएगा यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों कई जीव जो निकोबार की पहचान है निकोबार श्यू <coughs> या देखें ग्रोट निकोबार क्रैक निकोबार मेंढक निकोबार कैट की बात करें जी हाँ कैट स्नेक की बात करें लिपिनियसिक की बात करें या फिर हम लोग बात करें जो निकोबारी आपका पॉड होता है उसकी बात करें कई जीव यहाँ पर नष्ट हो सकते हैं दोस्तों जी हाँ तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको प्लान तो कर लिया है लेकिन यहाँ पर जीवों के नष्ट होने की संभावना बनी रहेगी दोस्तों क्लियर है हमको यहाँ पर ये याद रखिएगा माउंट थोलियर यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक है ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर इसकी लगभग ऊंचाई चार छः सौ मीटर के आसपास है माउंट थोलियर याद रखिएगा कहाँ पर है ग्रेट निकोबार में निकोबार की सबसे ऊंची श्रेणी सबसे ऊंची आप बोल सकते हैं चोटी यहाँ पर दोस्तों ठीक है शोम्पेन रहते हैं दोस्तों निको निकोबारी निको द्वीप समूह रहता है यहाँ पर शोम्पेन रहते हैं जय मंडल रिजर्व बनाया गया था यहाँ पर दो में घोषित किया गया ऐसे मैप प्रोग्राम के अंतर्गत क्या हमारी कहानी पूरी हो पाएगी दोस्तों यहां पर क्या पहला आर्टिकल क्रिएट हो पाएगा आपके लिए चलो रोहित नहीं रोहित नहीं नहीं, नहीं कोई काम कर का। आगे बढ़े दोस्तों आगे बढ़े हम लोग यहां से दूसरा आर्टिकल दोस्तों आपका हेल्थी फॉरेस्ट फॉर हेल्थी पीपल जी हां स्वस्थ वन होंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ लोग रहेंगे जी हाँ दोस्तों आइए बात करते हैं आर्टिकल के बारे में आपके साथ अच्छा दोस्तों याद रखिएगा चूंकि वीकेंड आने वाला है अपना ठीक है ना तो वीकेंड पे कुछ जमाल करते हैं क्या करें वीकेंड पे हम लोग वीकेंड पे क्या हम कर सकते हैं दोस्तों वीकेंड अपना सैटरडे और संडे आने वाला है तो हम लोग क्या करने वाले हैं पहली बात तो पीआईबी होगा दोस्तों रातों कल दस बजे कल टेन पीआईबी होगा अपना ठीक है पीआईबी का दोस्तों मेगा लेक्चर होगा याद रखिएगा मेगा मैथन नहीं मेगा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर लगभग दो घंटे से कम नहीं होगा पीआईबी आई कल फिर मत कहीं नींद आ रही है ये वो दस बजे से बारह बजे तक लेक्चर हो सकता है दोस्तों पीआईबी का टारगेट मेरा होगा कम से कम फोर्टी न्यूज़ मुझे करानी है पीआईबी की कल आपको क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है इस समय काफ़ी न्यूज़ आती है तो फोर्टी फिफ्टी न्यूज़ है पी के दोस्तों तो ये रहेगा आपको शाम में दस बजे सेटरडे को ठीक है संडे को भी दो घंटे का न्यूज़ होगा दोस्तों इस बार लास्ट वीक अपने वर्ल्ड न्यूज़ नहीं हो पाया था तो वर्ल्ड न्यूज़ बचा है दोस्तों लास्ट वीक का अपना तो वर्ल्ड न्यूज़ भी दो घंटे का होगा इस बार संडे की बात हो गई दोस्तों ठीक है ये तो अपना टेंट पी फिक्स हो गया इसके अलावा चूँकि कल शाम में मैं फ्री हूँ तो मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज़ लाऊंगा दोस्तों कल हम फिर बात करेंगे वन शॉट सीरीज़ में और आपका कॉपरेटिव बैंक आपको याद होगा हम लोग कमर्शियल बैंक सारे कर चुके थे टाइप्स ऑफ बैंक में हमें बात करनी थी कॉपरेटिव बैंक के बारे में तो शेड्यूल कॉपरेटिव बैंक्स कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा होगी शाम छः बजे कल आपके आप अैडमी का हमारा दूसरा जो यूट्यूब चैनल दोस्तों अन्यूपीएस सी सी एस वहां पर आपको मिलूंगा शाम 6 बजे में जहां हम बात करेंगे वन शॉट में शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंकों की चर्चा होगी दोस्तों कल शाम 6 बजे आपके साथ वहां पर ये भी यूट्यूब पर क्लास होगा दोस्तों ठीक है इसके अलावा दोस्तों आ, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए एनवायरमेंट के मैंने लगा आपका फीडबैक काफ़ी अच्छा आया यूट्यूब पर आपने कहा सर हमें और करने हैं सेशन ऐसे तो इस हफ्ते वीकेंड में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन भी होगा दोस्तों आपके साथ एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन भी होगा आपका जो कि यूट्यूब पर ही होगा ऑफकोर्स उसका टाइम रहेगा संडे को दिन में बारह बजे ठीक है संडे दिन में बारह बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभ्यास जो हमने किया था वो होगा हमारा कब संडे को यूट्यूब पर बारह बजे दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चले आप लोग इतनी चैट करते हैं आपने देखा ना गलत बोलने से क्या होता है अब वो भी देख रहे हैं देश में कहीं पर बोलना चाहिए सब समझ के बोलना चाहिए आप लिखते रहते हैं चैट करते रहते हैं अपने शब्दों की कीमत को समझिए कुछ भी लिख देंगे पता लगा सांसद चल चली जाएगी आपकी चाहे ब्यूरोक्रेसी बन जाए कुछ बन जाए ठीक है ना तो थोड़ा सा संभल के बोला करें संभल के लिखा करें चलिए ठीक है तो किसी को तो सन्सरशिप गई आपकी नौकरी चली जाएगी यहाँ पर ऐसा ना हो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो दोस्तों आगे चले हम लोग आपके साथ नेक्स्ट आर्टिकल पे आऊंगा मैं उससे बता दूं जानकारी दूं उससे पहले आपको मैं दोस्तों एक प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है आपके लिए क्योंकि इस प्रोग्राम के बारे में वो है दोस्तों अन अकेडमी का लास्ट डे ऑफर दोस्तों आज 25 मार्च तक का ऑफर है अगर अन अकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों बहुत अच्छा ऑफर अन अकेडमी ने जारी किया है आपके लिए जहां पर आप थ्री ईयर टू ईयर या वन ईयर के ऑफ़र आपके लिए हैं दोस्तों जहां पर आप आ, कोर्स प्राप्त कर सकते हैं आराम से बहुत ही कम प्राइजेज़ में तीन साल का कोर्स अगर आप ज्वाइन प्लान कर रहे हैं तो या छब्बीस या पच्चीस तैयारी करना चाहते हैं तो आप लर्न कर तीन साल का कोर्स है दोस्तों फीस नियरली सेवेंटी है हम मैंटॉस वहाँ रहेंगे हम लोग रहेंगे आपकी लगे क्लास होती है दोस्तों वहाँ पर आपकी तो नियरली लेस देन टू थाउजेंड पर मंथ में आपको एक आ, क्लास मिल रही है दोस्तों ये तो फोर्टी परसेंट तक डिस्काउंट चल रहा है आशीर्वाद थ्री सिक्सटी कोड का आप यूज़ कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेस को दोस्तों आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर के हैवी डिस्काउंट है आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये आप जी एस प्लस ऑप्शन करें जी एस प्लस आपके आइकॉनिक करें आइकॉनिक जी एस प्लस ऑप्शन करें कई सारे कोर्स आपके लिए हैं दोस्तों आपकी फ़ीस यहाँ लिखी हुई है आपके सामने सबकी सेविंग आपके सामने लिखी हुई है दोस्तों तो एक्स्ट्रा कितना होगा आपको कितना पे करना होगा कितने समय के लिए पे करना होगा किस कोर्स के लिए पे करना होगा उसको देख लीजिए आराम से लेना चाहें लीजिए दोस्तों आराम से जुड़िए हमारे साथ क्योंकि पूरी टीम प्रयास करती है आराम बैच चलता है आपके लिए दोस्तों लक्ष्य बैच चल रहा है आपके लिए दो के लिए पच्चीस के लिए बैच चल रहे हैं आपके लिए दोस्तों जुड़िए हमारे साथ वहाँ पर चलिए बाकी याद रखिए छब्बीस तारीख को यानी संडे को दोस्तों आप पहले ग्यारह से बारह यहाँ अच्छा टेस्ट आपके ये रहेंगे दोस्तों तो मैंने काम करेंगे अभ्यास इसके बात करेंगे शाम में ना पहले आप टेस्ट दे लीजिए संडे को फिर अभ्यास करेंगे आपके संग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे दोस्तों शाम में कर लेंगे उस तो दिन छः बजे जिससे आपके टेस्ट के बीच में ना आए वो तो शाम में छः बजे कर लेंगे दोस्तों टेस्ट दे सकते हैं आप छब्बीस तारीख को ये ऑल ऑलरी टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर दोनों पर दोबस्ता है दोस्तों ठीक है चलिए बाकी याद रखिए कैप चल रहा है दोस्तों अपना शानदार प्रोग्राम कैब चलिए आप जानते हैं कैप में तो मस्त प्रोग्राम चल रहा है कैप का वहाँ पर इकनॉमी चालू हो गई आज से जुड़ सकते हैं कैप में दोस्तों आखिरी मौका है कैप में जुड़ने का आपके पास दोस्तों यहाँ पर फीस फोर फोर यानी चार चार हज़ार रुपये दोस्तों जहाँ पर आप लगभग मोर देन सौ घंटे की क्लास में सौ घंटे बोल रहा था अभी पाँच दिन के अंदर ही लगभग हमारा छः दिन का कोर्स हुआ है वो लगभग और वहाँ बीस घंटे से ऊपर की क्लास अब हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं चार पाँच हफ्ते चलने वाला कोर्स है मोर देन वन ट्वेंटी आवर्स का कोर्स दोस्तों ट्रेडिशनल प्लस करंट को मिलाते हुए जी हाँ तो सुनिए आराम है पढ़िए पर ज्वाइन कर सकते हैं कैप प्लस कैप्लस को सेपरेट कोर्सेज के लिए प्लस लेने की आवश्यकता आपको नहीं है केवल सेपरेट कोर्स लेना होगा दोस्तों स्टोर पर जाकर जिसका फीस है नियरली साढ़े चार हजार रुपए दोस्तों ज्वाइन कीजिए कोड यूज करना होगा आशीर्वाद थ्री सिक्सटी आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ अगले आर्टिकल पे आऊंगा मैं दोस्तों अगले आर्टिकल पे आऊंगा आपके लिए अगला आर्टिकल हमारा है हेल्दी फॉरेस्ट फॉर हेल्दी पीपल जी हाँ दोस्तों आइए बात करते हैं हेल्दी फॉरेस्ट यहाँ पर समझिएगा दोस्तों फॉरेस्ट का योगदान आपके लिए क्या है चलिए मैं थोड़ा समय चलता हूँ आपको अलग पेज पर पे लेकर हमारे आपके लिए वनों का योगदान क्या होता है दोस्तों ग्रीन कर लिया जाए ग्रीन ही करते हैं दोस्तों ठीक है ओके फॉरेस्ट का यूज़ क्या है आपके हमारे लिए फॉरेस्ट मैं कल बात भी कर रहा था क्लास में फॉरेस्ट का यूज़ क्या है दोस्तों फॉरेस्ट कई प्रकार की सेवाएं आपको देते हैं कई सर्विसेज आपको देते हैं दोस्तों मे बी आपको पेयजल उपलब्ध कराते हैं ड्रिंकिंग वाटर पे उपलब्ध कराते हैं आपके लिए कई प्रकार के खाद्यान्न सामग्री फूड आदि प्रोवाइड करते हैं फूड चेन का पार्ट बनते हैं वहाँ पर ठीक है सर आ, कई प्रकार की क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ आपको जलवायुविक सेवाएं देते हैं दोस्तों ये आपके क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं जंगल मौसम गर्म होगा ठंडा होगा बारिश होगी नहीं तो काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं आपके ये जंगल इसके अलावा जंगल जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करते हैं जैव विविधता को बचाते हैं दोस्तों ठीक है जंगल एक बफर का काम भी करते हैं बफर कैसे यहाँ कुछ जानवर है यहाँ कोई वायरस यहाँ पर है वो इंसान तक नहीं पहुँच पाए तो बफर है अपने आप में जंगल तो जंगलों के जो वायरस हैं जान या जंगलों में जो बैक्टीरिया हैं पनप रहे हैं जंगली वायरस पनप रहे हैं वो इंसानों तक ना पहुँच पाए वो कोरोना वो चमगादड़ वाला कोरोना इंसान तक ना पहुँच पाए लेकिन हम तो इंसान हैं हम चमगादड़ पकड़ के जंगल से ले आते हैं बाहर और फिर उसको शामिल करते हैं हमें डाइट तो वायरस तो आएगा ही हमारे पास जी हाँ तो क्या करते हैं बफर काम करते हैं हेल्थ बफर काम करते हैं इसके अलावा जंगल और क्या कर रहे हैं दोस्तों बायोजियो केमिकल साइकिल जी हाँ भू जैव रासायनिक चक्रों मदद करते हैं नाइट्रोजन साइकिल हाइड्रोजन साइकिल ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर और कहीं ना कहीं आपका कार्बन साइकिल भी जी हाँ तो हाइड्रो बायोजियो केमिकल साइकिल में मदद करते हैं आपकी दोस्तों ये तो जंगल मल्टीपल काम आते हैं दोस्तों इसके अलावा जंगल मदद करते हैं आपको कई प्रकार का कच्चा माल कई प्रकार के रॉ मटेरियल देते हैं चाहे वो लकड़ी से लेकर आपके कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ दवाइयों के लिए यही कई प्रकार के इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल पेपर या आदि के लिए आपको कच्चा माल चाहिए हो वो जंगलों से मिलता है यानी जंगल बहुत जरूरी है अपने आप में इसके अलावा जंगल एक बहुत बड़ा काम करते हैं दोस्तों कार्बन स्टॉक कार्बन स्टॉक करते हैं जंगल आपके लिए अभी कार्बन स्टॉक क्या बला है दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे लिए बन सकता है एक बार सुन लीजिए क्या होता है क्या कोई महाना बताएगा मुझे कार्बन स्टॉक में क्या क्या शामिल होता है पांच चीज होती हैं चलिए मैं आपको बता रहा हूँ पांच चीज़ें होती हैं क्या क्या होता है कार्बन स्टॉक में शामिल बता पाएगा मुझे कोई कार्बन स्टॉक ट्रेडिशनल पढ़ा होगा अपना एनवायरमेंट पांच चीज़ें होती हैं कार्बन स्टॉक में शामिल लिख के देगा यूपीएससी क्या क्या शामिल होता है नहीं होता है कार्बन स्टॉक में चलिए एक ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको यहाँ पर मतलब बता ही रहा हूँ मृदा में शामिल कार्बन आपकी सॉइल है उसमें जो कार्बन है उसमें जो कार्बन डिपॉजिट हो गया है मृदा में जमा कार्बन या डिपॉजिट कार्बन इन सॉइल ये होता है दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो मृदा में जो आपकी मिट्टी में जो कार्बन जा रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर स्टोर हो गया कार्बन किसी फॉर्म में कार्बन किसी फॉर्म में स्टोर हो गया यहाँ पर ठीक है दूसरा दोस्तों एक होता है अबब द ग्राउंड एक ब्लो द ग्राउंड जी हाँ अब द ग्राउंड कार्बन ब्लो द ग्राउंड कार्बन यानी मिट्टी के ऊपर जो पेड़ आदि हैं मिट्टी के ऊपर जो झाड़ियाँ हैं मिट्टी के ऊपर जो भी चीज़ है वहाँ पर अगर कार्बन स्टोर हो रहा है अबब अब द ग्राउंड कार्बन मृदा के ऊपर का कार्बन ग्राउंड के ऊपर का कार्बन पेड़ों में पत्तियों में जड़ों में, मतलब तनों में लकड़ियाँ पड़ी हैं वहाँ पर उनके अंदर ब्लो द का ग्राउंड कार्बन जो जड़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो रूट्स हैं यहाँ पर या यहाँ पर कुछ आ, आ, कुछ अंदर मिट्टी के अंदर कुछ स्टोर हो रहा है पौधे का तो यहाँ जो कार्बन स्टोर है वो है ब्लो द ग्राउंड कार्बन तीस कार तीन कार्बन हो गए दोस्तों यहां पर ये ठीक है इसके अलावा लिटर लिटर क्या होता है दोस्तों आपकी जो डेड बॉडीज हैं जंगल में मिट्टी के ऊपर पड़ी हैं डेड बॉडीज है यहां पर या मिट्टी के अंदर आ चुकी हैं ह्यूमस है, है लिटर्स आदि हैं वो शामिल होते हैं दोस्तों कार्बन स्टॉक में आपके ठीक है ना तो कार्बन स्टॉक में क्या क्या आता है मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक बार चलते हैं हम लोग अपनी फेवरेट पीपीटी पर एक अपनी फेवरेट पीपीटी दोस्तों हमारी फेवरेट क्यों कह रहा हूं मैं लगभग डेढ़ पेज की वीडियो है दोस्तों इसमें जंगल कितने भी क्वेश्चन आते हैं ना फॉरेस्ट के बार कभी नहीं जाते हैं क्योंकि ये कौन सी है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट दो आपकी जो हर दो साल में एक बार जारी होती है भारतीय वस्ती रिपोर्ट बताती है हर दो साल में कि भारत में फॉरेस्ट स्टॉक या कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों ठीक है एक बार सर्च करते हैं आपके साथ यहाँ पर हम लोग कार्बन स्टॉक को और फिर ढूंढेंगे आपके संग कार्बन स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी इस वीडियो मेरी यहाँ पर तो कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट इसका इंडेक्स में चलते हैं आपको लेकर आगे यहां से यहां भी नहीं यहां भी नहीं यहां भी नहीं ठीक है, ठीक है है ओके चैप्टर कार्बन स्टॉक दोस्तों तो कार्बन स्टॉक में क्या क्या है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन दोस्तों मैं अंडरलाइन कर रहा हूं येलो कलर कर रहा हूं इसे पढ़ पाए आराम से क्या क्या शामिल होता है तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आता है दोस्तों इसमें ठीक है इसके अलावा अबब ग्राउंड बायोमास ज़मीन के मिट्टी के ऊपर का बायोमास वो शामिल होता है ब्लो ग्राउंड बायोमास बीजी जमीन के नीचे जो बायोमास है वो शामिल होता है लिटर यानी कि जो आद्र कहना चाहिए पत्तियां पड़ी हैं सड़ी गली पत्तियां पड़ी हैं और डेड वुड जो तने पड़े हैं लकड़ी के टूट गए पेड़ टूट गए हैं लकड़ी के तने पड़े हुए हैं जंगल में वो है डेड वुड वो शामिल होता है दोस्तों तो पांच चीज़ें शामिल होती हैं हमारे इसमें बताया मैंने आपको यहाँ पर लेटर के अलावा डेड वुड शामिल होता है दोस्तों ये पांच चीज़ें होती हैं कार्बन स्टॉक के अंदर ठीक है याद रखिएगा भूलिएगा नहीं देखिए इतने बच्चे चैट में बैठे हैं ना मैंने सवाल पूछा था क्या होता है कोई बता नहीं पाया चैट सब करेंगे क्यों आते हो बेटा पढ़ने क्लास में कोई मतलब नहीं है ना घर बैठो आराम से उन लक्ष्यों को सुनो जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे तुम आई बन जाओगे कली और परसों तुम आई बन जाओगे उसके बाद तुम्हारे जीवन बेहतर हो जाएगा वो उस लेक्चर सुना करो मोटिवेट करने वाले ना पढ़ना चालू करो बेटा पढ़ोगे तो सब अच्छा लगेगा पढ़ना नहीं है बाकी सारे काम करा दो सर हमें मोटिवेशन मोटिवेट कर दो हमको हमको सर आप चाहो तो आप हमें नोट्स दे दो पीडीएफ दे दो हमको हमें सर आप बताओ कि सिलेक्शन कैसे होगा स्ट्रेटजी रणनीति वाला जो रणनीति शब्द है ना ये बताओ कैसे बनती है सर स्ट्रेटजी पर आधे वीडियो तो दुनिया में यूट्यूब के होते हैं ना वो आधे वीडियो स्ट्रेटजी तो पर होते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनती है सर ठीक है वो बना दो सर आप टाइटल टू बता दो सर मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना बता दो पढ़ने की बारी आएगी तो पढ़ना नहीं है बाकी सारे काम करने हैं लाइफ में हमको सर ठीक है तो बच्चों यार क्या मतलब है स्ट्रेटजी बनाते रहोगे आज इसकी बनाओगे फिर कोई पी सी एस ऐसा बनाओगे पी सी एस के बाद वन डे एग्जाम की बनाओगे फिर कहोगे यार चालीस साल के हो गए अब क्या करें रणनीति लाइफ में अब तो कुछ नहीं बचा अब प्लान करोगे कि बेरोजगार में कैसे आगे बढ़ा जाए लाइफ में या सरकार कौन सी लोन सुविधाएं दे रही है आपको ठीक है ना कोई छोटा मोटा काम करोगे तो बेहतर है लाइफ बदलना है दोस्त ना तो पढ़ लो यार पढ़ोगे सबसे अच्छा काम हो जाएगा लाइफ में ठीक है रणनीति उन्होंने अपने बन जाएगी रणनीति ना यार अपने बन जाएगी स्ट्रेटजी कैसे काम होगा पढ़ना तो चालू करो मेरी रणनीति बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगी पढ़ोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगी आपको ना तो पहले थोड़ा सा पढ़ लो यार मज़ा आएगा लाइफ में बहुत मज़ा आने वाला है यानी क्यों अपना यूथ खराब कर रहे हो यार अपना जवान जीवन खराब कर रहे हो ये मतलब ना चलो कोई बात नहीं कितनी बात की जाए कमी है आप लोगों को तो भारत में इतना डेटा कहाँ जाता है समझ में आता है ना रणनीति वीडियो देखने में आता है रणनीति कैसे बनाए ठीक है प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग फाड़ू प्लानिंग ये एक प्लानिंग वो प्लानिंग आज तो बस आई बनने वाले कल उठ के सुबह हम तो यहाँ पर तरस आता है आप लोगों को देख के कई बार ना मुझे तो ठीक है कोई बात नहीं जो नैक्स टूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सबकी बात एक जन जेनरिक बात कर रहा हूँ बेटा मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कोई बच्चे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे पहली बार वीडियो में बैठे होंगे कुछ बच्चे होंगे जो साल भर से फॉलो कर रहे हैं कुछ तीन साल से फॉलो कर रहे हैं जो कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ वीडियो में आते हैं हंगामा करने की चलो सर को परेशान करते हैं उसलिए भी आते होंगे बहुत सारे लोग वो काफ़ी लोग ब्लॉक हो चुके हैं ठीक है, है। बातें पढ़ोगे ना यार बहुत मजा आएगा इसका कोई विकल्प नहीं है पढ़ने का मैं हमेशा मानता हूँ यार सारा काम एक तरफ स्ट्रेटजी वीडियो कैसे कर रहे हैं कब कौन करें टॉपर ने कैसे किया नोट्स कैसे बनाए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सब चीज़ एक तरफ है बेसिक बुक है या एन है किताबें सामने रखी हैं प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं खुद ही आई बन सकते हो बना बनो तो ती पढ़ो तो सी एक बार पढ़ोगे तो अपने आप रास्ता मिलेगा यार पढ़ना ही नहीं चालू करोगे तो रास्ता कैसे मिलेगा चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चलेंगे आपके साथ कोई गलती है, आपको कोई गलती नहीं है मतलब अल्टीमेटली आपको लगता है फ्री चल रहा है सब कुछ ना आपको लगता है फ्री क्लास चल रही है आशीर्वाद सर की है। इसको देख लें तो आई बन जाएंगे या कोई और क्लास फ्री चल रही है फ्री कुछ नहीं हो रहा बेटा आपका कुछ और शोषण किया जा रहा है ना आपको लगता है फ्री क्लास है ना ये आप पढ़ोगे तो फ्री है अगर आप इस वीडियो को देख के पढ़ रहे हो सीख रहे हो तो बिल्कुल फ्री है आप अगर देख सीख नहीं रहे हो क्लास में आए हो वीडियो खोल के बैठ गए हो लाइव चल रही चलो हमारे चैट में हमको मौका मिलेगा तो आप भी बिल्कुल क्लास फ्री नहीं है फिर आपके लिए आपका मानसिक शोषण हो रहा है डेटा का शोषण हो रहा है आपका डेटा आपके पर्सनल डेटा का शोषण हो रहा है फिर तो ठीक है ना तो ऐसा काम मत करो यार मतलब शोषण मत होने दो गुलाम जैसी झल्ली ने दो साल की अब और गुलाम मत बनाओ तुम लोग ठीक है चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं चलिए मेरा काम है एक बार बताना दो बार बताना फिर तो आप अठारह साल से ऊपर के अधिकतर लोग कुछ अठारह साल से कम के होंगे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अठारह साल से ऊपर के जो बच्चे लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ सब समझ आएगी आपको ठीक है मतलब होता था ना पहले हम लोग शराब के नाम पर या नोट के नाम पर वोट देते थे आजकल हम लोग ना यूट्यूब के नाम पर वोट दे देंगे मतलब ना समझ में नहीं आता गलती कहाँ हो रही है बस हम लोग ठीक ही तो यूट्यूब देख रहे हैं करना क्या है यार मतलब वीडियो देख रहे हैं चलो चलो आगे बढ़ते हैं मेडिकल बताऊँ दोस्तों लौट के आपके साथ तो मैं बात कर रहा था आर्टिकल में क्या दिया है तो आर्टिकल कहना है कि वनों का महत्वपूर्ण योगदान है भैया बहुत अच्छा वन काम करते हैं हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत सर्विस मिलती हैं आप लोगों की कमाई होती है फॉरेस्ट से सब जानते हैं इसके बारे में आप 21 मार्च जो होता है दोस्तों सब जानते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है इक्कीस मार्च वन दिवस घोषित किया गया दोस्तों दो में दस ग्यारह साल पहले और इक्कीस मार्च हर साल वन दिवस होता है ठीक है इसी मौके पे आर्टिकल भी आया दोस्तों और वनों को बचाना जरूरी है क्योंकि कई एस गोल कई एस गोल लाइक एस डी जी थ्री इसमें वनों की इंपॉर्टेंस को बताया भी गया ठीक है सर वनों में इंपॉर्न बात क्या है समझिएगा जितने वन हमारे पास हैं उसमें से काफी वन काटे जा रहे हैं दोस्तों हर साल वन जल जाते हैं आग लग जाती है जंगलों में काट दिए जाते हैं वन नुकसान में जा रहे हैं दोस्तों दो हजार पंद्रह से बीस के बीच में अभी भी हर साल दस मिलियन हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं हर साल दस मिलियन हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं दोस्त आप सोच सकते हैं दुनिया में लगभग चार हजार मिलियन हेक्टेयर जंगल हैं केवल तो चार हजार मिलियन हेक्टेयर जंगलों में से हर साल दस मिलियन हेक्टेयर जंगल आप काट रहे हैं अगर हम सोचें तो इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जितने जंगल हैं काटते रहे तो चार सालों में जंगल ख़त्म हो जाएंगे अब सोचिएगा आबादी बढ़ रही है सी ओ टू लेवल बढ़ रहा है जंगल कम हो रहे हैं तो चिंता की बात है डबल इम्पैक्ट हो रहा है अपने आप में ठीक है दोस्तों तो इनपॉइंट बात है कोविड की बात करें बीमारी की बात करें सामने आया है कि वन और बीमारी में एक संबंध होता है एक दीर्घकालिक संबंध होता है जितने जंगल आप काटेंगे नंबर ऑफ़ डिजीज नंबर ऑफ वायरसेस नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बढ़ते जाएंगे सामने आया है दोस्तों जी हाँ इनपॉइंट बात है खासकर मलेरिया की बात करें या डेंगू की बात करें या कई और चीज़ों की बात करें जितना कृषि विस्तार होगा जितना कृषि का विस्तार होगा दोस्तों वनों की कटाई होगी उतना उतना कृषि का विस्तार होगा समझिएगा जंगल काट के क्या बनाया जाता है मुख्यतः खेत बनाते हैं वहाँ पर आप या पशु चराई के या अपने अपने ग्रेजिंग लैंड तैयार करते हैं या आप चराई की जमीन तैयार कर रहे हैं ग्रेजिंग करें वहाँ पर या आप लोग क्रॉप लैंड तैयार कर रहे हैं कुल मिलाकर जंगलों काटा जा रहा है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर फाओ की रिपोर्ट आई है लास्ट ईयर फाओ की रिपोर्ट क्या कहती है सुनिएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन है फाओ विश्व कृषि और खाद्य संगठन इसकी रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट हर साल आती है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है फाओ और कई संस्थान भी होते हैं साथ में इसके स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट आई दोस्तों उसमें कहा गया कि अगर वनों को बचाना है तो तीन काम करने होंगे फिर सुन लीजिए एस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है हर साल ये कौन जारी करता है फ़ाओ जारी करता है इसमें तीन समाधान बताए गए हैं जंगलों को बचाने के पहली बात तो भैया जो काट रहे हो उसको तुरंत रोक दो जो काट रहे हो ना उसको तुरंत रोक दो जो काट चुके हो उनको रिस्टोर करो उनकी पुनर्स्थापना करो उनको बहाल करो फिर से उनको रिस्टोर करो फिर से दूसरा काम तीसरा काम जो वन है अगर यूज भी करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो सतत तरीके से करो यानी आप जंगल काटो लेकिन जंगल का विकास भी करो जी हाँ तो यहां पर वनों का उपयोग करिए लेकिन सस्टेनेबल रूप से कीजिए सस्टेनेबल यूजिंग फॉरेस्ट जी हाँ सतत तरीके से प्रयोग कीजिए यानी हाँ? काटिए मत पुराने काट चुके उनको रिस्टोर कीजिए दोबारा लगाइए और अब जंगलों काटना है तो सस्टेनेबल तरीके से काटिए सतत तरीके से काटिए यानी कि नए पेड़ लगाते हुए चलिए जी हाँ दोस्तों तो भारत सरकार भी चाहती है जो तक हम लोग देश में लगभग एट्टी जो लोकल बॉडीज हैं गाँव और शहर में वो इको फ्रेंडली तरीके अपनाएं जीवन जीने के जी हाँ प्रोजेक्ट लाइफ यही है हमारा प्रोजेक्ट लाइफ जो कहता है कहीं ना कहीं हमें जीवन को बेहतर करना है मिशन लाइफ के तहत हमें क्या करना है हमें अपने 100 करोड़ भारतीयों का जीवन बेहतर करना है उन तक आ, उन तक सहायता पहुंचानी है जिससे जंगलों को ना काटा जाए आपकी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव हो जाए जी हाँ ये प्रयास करना है दोस्तों को यहाँ पर बाकी दोस्तों आप एक बात जानते होंगे शायद हमने सुना होगा इस बारे में पेरिस क्लाइमेट के तहत हमने आई सेट किया था पेरिस समझौते के तहत 2015 में भारत सरकार ने अपना आई लक्ष्य तय किए थे जो कि संख्या में आठ हैं आठ लक्ष्य थे आई एनडीसी में दोस्तों 2015 में घोषित किए थे हम लोगों ने 2030 तक भारत को क्या क्या लक्ष्य हासिल करने इसमें मेंशन किया गया था इन लक्ष्यों में अगर मैं कहूँ नंबर चार नंबर पाँच पर काम का लक्ष्य था आपका टारगेट पाँचवा इसमें क्या था ढाई से तीन अरब टन ढाई से तीन अरब टन सीओ को अवशोषित करने योग्य पेड़ हमको लगाने हैं फिर सुनिए आराम से हमें इतने पेड़ लगाने हैं कि हम ढाई से तीन अरब टन सी ओ टू को अब्जॉर्व कर सकें 2030 तक 2015 के मुकाबले हम इतने पेड़ लगाने थे आ, इसमें सरकार ने बाद में अपडेट किया 2022 में आके अपडेट किया थोड़ा सा उन्होंने कहा एक बिलियन और जोड़ेंगे इसके अंदर हम लोग हालांकि ये फाइनलाइज नहीं किया इसको शब्द को नहीं जोड़ा लेकिन हमारे काम का क्या है सरकार ने घोषित कर रखा है 2015 में जितने पेड़ थे हमारे पास जितने ट्री एंड फॉरेस्ट थे हमारे पास ट्री और फॉरेस्ट मिलाकर जितना एरिया था हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा इलाका और जोड़ा जाएगा इतना पेड़ और जोड़े जाएंगे जो कितना एब्जॉर्व कर सकें सीओ टू को ढाई से तीन अरब टन सीओ टू को एब्जॉर्व कर सकें यह भारत सरकार का लक्ष्य आई एनडीसी के तहत ठीक बात है तो यहां पर इसको लिखा भी है शब्दों में दोस्तों तो 2030 तक एडिशनल फॉरेस्ट लगाए जाएंगे दोस्तों जिसका उद्देश्य होगा ढाई से तीन बिलियन टन कार्बन को सिंक करना कार्बन को एब्जॉर्व करना तो ये हमारा लक्ष्य आई एनडीसी का याद रखिएगा दोस्तों ठीक है इसके लिए भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए हमने जंगलों को बचाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की बात करें ग्रीन इंडिया मिशन की बात करें कैंपा कार्यक्रम की बात करें ग्रीन हाईवे पॉलिसी की बात करें अर्बन ग्रीन एरियाज शहरी उपवन की बात करें पीटीएम लास्ट ईयर यहाँ से एग्रो कृषि वानिकी नीति की बात करें कृषि या मैं कहूँगा यहाँ पर कृषि वानिकी पर मिशन की बात करें सरकार ने कई सारे कार्यक्रम किए उठाए हैं दोस्तों फॉरेस्ट की संख्या बढ़ावा देने के लिए जी हाँ तो फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के सरकार कई काम कर रही है आपकी स्क्रीन पर सबके नाम लिखे हुए हैं ठीक है अब बताया मैं दोस्तों कार्बन स्टॉक हमारा कितना है हमारा सात हजार मिलियन टन का कार्बन स्टॉक है कार्बन स्टॉक बताया मैंने कहा होता है दोस्तों जो मिट्टी में होता है बायोमास पृथ्वी जमीन के ऊपर जमीन के नीचे डेडवुड में है मिट्टी में है या जंगल में कूड़े में लिटर में शामिल है दोस्तों जी हाँ तो लिटर में है डेडवुड में है बायोमास में है बायोमास कौन सा जमीन के ऊपर वाला भी अबव द ग्राउंड बायोमास और ब्लो द ग्राउंड बायोमास दोनों शामिल होंगे दोस्तों इसके अंदर और हमारे कहां पर है वो शामिल वो सोइल में शामिल है तो कार्बन स्टॉक क्या होता है याद रखिएगा पीटी में सवाल आ सकता है आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ <coughs> तो ये हमारा कितना कार्बन स्टॉक है दोस्तों सात हजार मिलियन टन का समझिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये हमारे पास जो पेड़ है राइट नाउ ठीक है जो टूटे हुए तने वने पड़े हैं डेड वुड पड़ी है यहाँ पर जो कचरा पड़ा है ह्यूमस पड़ी है यहाँ पर जो पल पत्तियाँ पड़ी हैं आदि यहाँ पर लीटर पड़ा है कचरा है दोस्तों मिट्टी के अंदर जड़े हैं यहाँ पर दोस्तों और इवन खुद मिट्टी तो पाँच हो गए दोस्तों ये इन पांचों की बात की जाए तो सात हजार लगभग मिलियन टन हमारे पास क्या है कार्बन स्टोर है इसके अंदर पांचों के अंदर दो साल में कितना बढ़ गया दोस्तों सिक्सटी नाइन मिलियन टन बढ़ गया यानी हम क्या कर रहे हैं हमारा कार्बन स्टॉक बढ़ रहा है इस बात को याद रखिए हमारे काम का फैक्टर दोस्तों ये कि भारत का कार्बन स्टॉक बढ़ रहा है ठीक है अब आइस लाइन को पढ़िए फिर से मेरे साथ यहाँ पर जो लाइन लिखी थी पिछले दो साल की तुलना में दोस्तों हमारा कार्बन स्टॉक कितना बढ़ गया लगभग सत्तर मिलियन टन के आसपास बढ़ गया दोस्तों एग्जैक्टली अगर न तो छाया सत्तर मिलियन टन बोल सकते हैं सत्तर मिलियन टन हमारा कार्बन स्टॉक बढ़ गया दोस्तों आप पिछले दो चार सालों में देखा जाए सत्तर बढ़ाता है दस बढ़ाता तो कुल्ला के अस्सी बढ़ गया चार सालों में सत्रह के मुकाबले इक्कीस में आए तो हम चार बढ़ गया ये ऑलमोस्ट मान सकते हैं सत्तर मिलियन टन बढ़ गया तो सात था सत्तर मिलियन टन बढ़ गया दो सालों में और बढ़ाना है हमें और बढ़ाना है दोस्तों यहाँ पर ये हमें कितना ले जाना है ये हमें ढाई से तीन अरब टन और जोड़ना है यानी ढाई हजार आ, मैं कहूँ आपसे मिलियन से लेकर तीन हजार मिलियन टन और जोड़ना है सात हजार है अभी तीन हजार और जोड़ना है टोटल टेन थाउजेंड मिलियन टन का कार्बन स्टोरेज होना चाहिए हमारे पास बड़ा काम करना है बड़ा काम करना है दोस्तों को यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों इसमें एक चीज है कि जंगल क्यों काटे जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर करनी है तो फाव इसके लिए मदद कर रहा है दोस्तों फाओ ने एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च कर रखा है दुनिया में जी ई बी ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट सुनिएगा दोस्तों तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं इसमें आ, इसकी बात करें फाओ क्या कर रहा है हमारे यहाँ स्थायी कृषि को बढ़ावा दे रहा है ऐसी कृषि के लिए जंगल ना काटने पड़े ऐसी कृषि कीजिए जिससे हमारे फॉरेस्ट का फायदा हो जी हाँ हमें क्या करना है तो आठ राज्यों में कार्यक्रम लॉन्च किया है हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ हरियाणा माई एम पी मिजोरम उड़ीसा राजस्थान उत्तराखंड जहाँ पर ऐसी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है जो वनों के को संरक्षित करती हो वनों को प्रोटेक्ट करती हो हमें वो काम करना है दोस्तों अगर आप जानते हो पीटी में क्वेश्चन आया था तो कुछ साल पहले इससे पहले गैस सिस्टम गैस याद है किसी को सुना है कभी गैस का नाम आप लोगों ने यहाँ पर गैस सिस्टम फाओ का इनिशिएटिव है दोस्तों फाओ यू का इनिशिएटिव होता है ये यानी ऐसी कृषि को बढ़ावा देना जो इको फ्रेंडली है ऐसी कृषि को बढ़ावा देना जो वहाँ सतत रूप से चलती रही है क्वेश्चन आ चुका है पीडी में इस पर तो देश में कई राज्यों में काम चल रहे हैं इस पर दोस्तों हमारे यहाँ पर ठीक है सारा काम हो गया चलिए तो ये है मेन आर्टिकल दोस्तों आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा सर अनफर्टाइल लैंड पर फार्मिंग कर सकते हैं अनफर्टाइल है तो कैसे खेती करोगे ना यार वहाँ पर अब उर्वर भूमि नहीं है तो रेगिस्तान में कैसे खेती करोगे फिर कितना पानी कितना उर्वर डालने पड़ेंगे आपको सर अभी मेरी ट्वेल्थ क्लास आठ स्ट्रीम में हिंदी मीडियम से हूँ मुझे अभी लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए आ... यार देखो तैयारी कैसे शुरू की जाए मैं हमेशा कुछ वीडियो बनाए हैं आपके लिए आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे आप जाके मिल जाएगा टाइप कीजिएगा फाइव स्टेप पाँच स्टेप में हम लोग कैसे कर सकते हैं तैयारी मिल जाएगा आपको मेरे नाम से सर्च करेंगे फाइव स्टेप आशीर्वाद सर मिल जाएंगे आपको तैयारी शुरू कब कर रहे हैं तो आपको कैसे कैसे शुरू करनी चाहिए फाइव स्टेप आई ए नहीं बनेंगे फाइव स्टेप तैयारी करने के ठीक है तैयारी करेंगे मेहनत करेंगे तो भाई आई बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है यानी कि फाइव स्टेप चढ़े और आई बन गए वो नहीं करना है फाइव स्टेप तैयारी करने का कर दोस्तों एक वीडियो है मेरा वो तो देख लीजिएगा ठीक है चलो सर आप पर्सनल नंबर दे दो मैं हूँ ना आपके सामने तो सामने बैठ के लाइव चैट कर रहे हैं पर्सनल नंबर क्या होगा इसमें ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चलें आपके साथ ओके okay, दोस्तों अगला आर्टिकल है एक रिपोर्ट आई है करंट अफेयर्स में चर्चा भी है उस रिपोर्ट के बारे में सुन लीजिए एक रिपोर्ट आई है दोस्तों आईपीसीसी की ठीक है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी आयोग इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट इंटर इंटर गवर्नमेंटल पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ठीक है इसकी स्थापना हुई थी समवेयर 88 के आसपास दोस्तों ठीक है इसको बनाया क्यों गया है क्लाइमेट चेंज पर जलवायु परिवर्तन पर एनालिसिस करो तीन काम करने होते हैं दोस्तों इस समूह को आईपीसीसी को पहला काम करना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं इसका डेटा कलेक्ट करो इसके साक्ष कलेक्ट करो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है ग्लेशियर इतने पिघल गए हैं इतने पिघल रहे हैं बताओ यहाँ पर दूसरा इसके कारण क्या हैं रीज़न ढूंढने का प्रयास करो आखिर कौन सी गैसें हैं कौन से कारण हैं इसके पीछे क्या ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं या हम लोग जंगल काट रहे हैं या हमारा व्यवहार लाइफ बदल रही है वॉट कारण ढूंढिए कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है तो पहले तो क्लाइमेट चेंज का डेटा लेकर आइए कितना हो गया कितना कहा कितने ग्लेशियर पिघल गए कितनी झीलें बर्बाद बढ़ गया कितना सी लेवल बढ़ गया कितने क्रायस पर नुकसान हो गया सब डेटा कलेक्ट कीजिए दूसरा तो एक कारण क्या है इसका वो ढूंढिए और तीसरा काम इसका होता है कारण बता दिए अब समाधान बताइए सॉल्यूशन बताइए कि हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं हमारे पास साइंटिफिक विकल्प क्या हैं टेक्नोलॉजिकल विकल्प क्या हैं फंडिंग फंडिंग तो नहीं कहूँगा विकल्प कहाँ क्या क्या हैं कि क्या क्या करें हम लोग यहाँ पर कि हम टेक्नोलॉजी uh, का विकास करें यहाँ पर या हम लोग यहाँ पर मिटिगेशन uh, 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 करें या प्रशमन करें सीओ टू निकालना बंद करें क्या करें हम लोग उसका विकल्प दीजिए इसके विकल्प जो आते हैं दोस्तों इसके जो विकल्प आते हैं जो बताती है कि ये करना चाहिए उस पर चर्चा करती है हमारी हर साल होने वाली कोप की मीटिंग कोप 27 हो चुकी है सत्ताईस बार अब तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पक्षकारों का सम्मेलन 27 बार हो चुका है जो उसकी रिपोर्ट आती है उस पर वो डिस्कस करते हैं कि हमें ये करना है भैया इसने ये करने को कहा है हम क्या क्या कर सकते हैं दुनिया भर के नेता बैठते हैं और जो बेस्ट विकल्प होता है उस पर चुनते हैं उसको या उसमें संशोधन करते हैं ठीक है अब आई ये तीन काम करती है इसके लिए रिपोर्ट जारी करती है एनुअल इसकी रिपोर्ट्स आती हैं दोस्तों असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं इसको हम लोग असेसमेंट रिपोर्ट्स या मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करती है समय समय पर इस मूल्यांकन रिपोर्ट में तीनों बातें शामिल होती हैं डेटा रीजंस एज वेल एज सॉल्यूशंस तीनों चीज शामिल होती हैं इसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स में अब तक रिपोर्ट छः बार आ चुकी है इसकी स्थापना से लेकर चार पांच साल में एक बार आती है पिछले पैंतीस सालों में ये छः बार आ चुकी है तो ए आजकल आ चुका है दोस्तों ए इसको बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स यानी छठवीं रिपोर्ट आई है दोस्तों आई की ये रिपोर्ट इस बार खास बात थी पांच रिपोर्ट आती थी हमेशा एक वॉल्यूम में एक बार आ गई उसमें सब कुछ होता था लेकिन इस बार आईपीसीसी ने क्या किया अपनी रिपोर्ट को चार भागों में जारी किया, हैं, थ्री प्लस वन भागों में जारी किया। तो एआर जो दोस्तों बना है इस बार का सुन लीजिए यहां पर तो इस बार का जो ए आर सिक्स है ये तीन रिपोर्ट्स हैं इसकी और एक सिंथेसिस रिपोर्ट है ठीक है तीन रिपोर्ट में कहा गया है भैया क्या करना है क्या रिस्क है किससे खतरा है सॉल्यूशन क्या है सारी बातें तीन अलग बातें और एक सिंथेसिस रिपोर्ट की यार क्या क्या हम लोग आ, कर सकते हैं यहां पर एक कंपाइल कंप्ले कह सकते हैं एक प्रकार से कंपाइल कर दिया उन्होंने एक एक प्रकार से मिला दिया रिपोर्ट्स को ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों आपको कोई मेल करना हो मुझे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कोर्ट डॉट आशीर्वाद टेन जी मेल पर ठीक है ना तो नंबर तो नहीं तो बहुत नंबर मांग रहे हैं आप लोग कोर्ट डॉट आशीर्वाद टेन एट जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर दीजिएगा दोस्तों मुझे आप ठीक है कोई इशू हो तो कोर्ट डॉट आशीर्वाद टेन एक साथ है कोर्ट डॉट आशीर्वाद टेन जी मेल पर ठीक है चलो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे यहाँ पर रिपोर्ट्स के बारे में रिपोर्ट क्या है चलिए बात करते हैं इस पर आपके साथ तो रिपोर्ट क्या है समझिएगा तो मैंने कहा तीन प्लस एक तो छठवी रिपोर्ट जो आई है चार भागों में टूट के आई है तीन रिपोर्ट पहले आ चुकी थी अंतिम भाग जो था इसका अंतिम भाग क्या था सिंथेसिस रिपोर्ट वो पब्लिक में आ गई दोस्तों तारीख को तो छठवें आकलन चक्र ने जो था दोस्तों इसका बताया। मैंने आपको थ्री प्लस वन फॉर्म में जारी करना था तो जो रिपोर्ट आई है बात करें उन्नीस सौ नब्बे अपने अनुसंधान करना शुरू किया था आईपीसीसी ने छह बार रिपोर्ट दे चुका है दोस्तों ठीक है इस बार क्या था दोस्तों बल्कि तीन रिपोर्ट आ चुकी हैं यहां पर उन रिपोर्टों का संश्लेषण है केवल जो तीन रिपोर्ट पहले आई हैं, उनका सिंथेसिस केवल ये चौथी रिपोर्ट या लास्ट रिपोर्ट आपकी ठीक है चलिए तो यहां पर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है समझ लीजिए तो यहां पर सिंथेसिस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उस पे आता हूं सीधा मैं आपके साथ आप इसको पीपीटी पढ़ लीजिएगा आराम से मैं बाद में देख लूँगा रिपोर्ट के अंदर क्या है वो समझिएगा दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने समरी किए थे करंट अफेयर्स क्लास के लिए आप भी सुन लीजिए तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं आपके काम के हिंदी में लिखा हुआ है वैसे सारा ही मैं कि मैं समरी कर रहा हूँ स्पीड मेरा तो आई की ए आ गई है दोस्तों की थोड़े काम के होते हैं ए आर असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं छठवीं रिपोर्ट आ गई है ठीक है ये वार्ड थी तीन सेगमेंट थे दोस्तों इसके तीन वर्किंग रिपोर्ट आई थी और एक सिंथेसिस रिपोर्ट आई तो थ्री प्लस वन में आई थी रिपोर्ट दोस्तों ये तीन रिपोर्ट पहले ही आ चुकी हैं इसकी अब आइए सिंथेसिस रिपोर्ट जो जारी की गई 20 मार्च को आईपीसी की चौथी रिपोर्ट आ गई दोस्तों फाइनली में चौथी मतलब सिंथेसिस रिपोर्ट आ गई ये क्या कर रही है दोस्तों समरी कर रही है द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इट्स वाइड वाइड वर्ड्स इंपैक्ट ऑन द रिस्क एंड द क्लाइमेट मिटिगेशन मिडिगेशन यानी कि नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज मैंने कहा डेटा नॉलेज आपको ज्ञान हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बदल रहा है इसका इंपैक्ट इसका रिस्क क्या है जोखिम क्या होगा क्या किया जाए और चौथा तो तीसरा कैसे इसको रोका जाए अनुकूलन कैसे किया जाए प्रशमन कैसे किया जाए उस पर चर्चा तो तीनों रिपोर्ट को मिलाकर बात करती है रिपोर्ट दोस्तों ये ठीक है अब आइए पर हमारे पास आ, तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं दोस्तों काम की चर्चा है आपके लिए काम की चर्चा क्या है वो सुनिएगा इनका मानना है कि वर्ष उन्नीस से लेकर अठारह के बीच में पिछले एक सालों में जो विश्व का औसत समुद्री ताप औसत जल स्तर है वो तो पॉइंट टू मीटर बढ़ चुका है दोस्तों पॉइंट टू मीटर बढ़ चुका है ठीक है इसके अलावा दोस्तों उनका उन्होंने कहा यहाँ पर कि आ, अगर हम देखें पृथ्वी और जो समुद्र का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है इस बीच में दोस्तों यहाँ जो तापमान था यहाँ जो तापमान था माफी से पॉइंट नाइन यह पॉइंट नाइन है दोस्तों पॉइंट नाइन ठीक है तो 1850 में तापमान मान लो पृथ्वी का 15 डिग्री था एवरेज वो 15.9 हो चुका है 2011 से 20 के बीच में एवरेज यहां पर यानी पृथ्वी पॉइंट नाइन डिग्री गर्म हो चुकी है जो जानते होंगे पेरिस को सुना होगा 1.5 डिग्री बढ़ने से रोकना है दो डिग्री तो बढ़ना ही नहीं चाहिए तो ऑलरेडी पॉइंट नाइन बढ़ चुका है ये कह रही है रिपोर्ट दोस्तों यहां पर ये ठीक है सी का कंसनट्रेशन दोस्तों जो है ना वो आ, पिछले दो मिलियन सालों में इतना कभी नहीं था इतना भी हो चुका है जी हाँ वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सी वातावरण में काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है दो मिलियन सालों में कभी नहीं पहुँची थी इतनी जी हाँ मीथेन का नाइट्रस ऑक्साइड का यानी एन का और मीथेन का लेवल भी आठ लाख सालों में कभी नहीं था इतना इतना भी हो चुका है यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बहुत मात्रा में ऊपर पहुंच रही हैं तापमान बढ़ रहा है ठीक है सी लेवल बढ़ रहा है ठीक है दोस्तों इनका मानना है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ रही है लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या करेगा दोस्तों इस ग्रोथ को रोकेगा आप जो कृषि कर रहे हैं आज आपको लग रहा है उत्पादकता बढ़ी है ग्रीन आ गया उत्पादन बढ़ गया अनाज भंडार भरे पड़े हैं लेकिन आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन से इसके उत्पादन में कमी आएगी ये कहा गया सिंथेसिस रिपोर्ट में दोस्तों यहां पर इनका मानना है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो पांच डिग्री तापमान बढ़ सकता है दोस्तों आने वाले सालों में इज मोर लाइक नॉट टू रीच फाइव ड्रीन अंडर द वेरी लो जी एस दोस्तों तो यहां पर आ, जो शब्द हैं यहां पर मैं शब्दों को सुना दू आपको क्या कहा गया रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ठीक है ये कह रहा है दोस्तों तापमान ना अगर आपने कुछ नहीं किया जिन नीतियों पर चल रहे हैं वही काम करते रहे केवल जो आपने घोषित किया उसी पर काम करते रहे यानी इंडिया ने आईएनडीसी घोषित किया जो भी घोषित किया है आपने उस पर चलते रहे तो दुनिया का तापमान इक्कीस सौ तो दोस्तों 2.5 से 3 डिग्री पड़ जाएगा जी हाँ आप दो डिग्री की बात कर रहे हैं डेढ़ डिग्री की बात कर रहे हैं यहां भूल जाइए इनको डिग्री तक बढ़ जाएगा तापमान दो हजार इक्कीस पचास साठ सत्तर सालों में दोस्तों ये जी हाँ। तो कहीं कहीं ना कही हमें और महत्वाकांक्षी होना होगा और काम करना होगा हो दो हजार उन्नीस दोस्तों दो हजार उन्नीस एक अरब टन थी मान लेते हैं, एक तो दो हजार तीस तक हमें कितनी करनी है, 48 कमी करनी है दो हजार तीस तक इसमें और दो हजार पचास तक ना इसमें 99 फीसदी कमी करनी है ऑलमोस्ट दो हज़ार उन्नीस में थी हवा सी टू थी ऊपर उसको खत्म कर देना है हमको आ, दो हज़ार तक बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर तो यहां पर सी टू में जितना भी वृद्धि हुई है उसे खत्म कर देना है 2050 तक हमको जी हाँ तो अगर बच्चा बचाना चाहते हैं पृथ्वी को अपनी तापमान को एक दशमलव पाँच से नीचे रखना चाहते हैं तो 2030 तक 48 परसेंट कम और 2050 तक 99 फीसदी कम करना होगा हमें अपने आ, अपने जी आ सीओ टू मिशन को दोस्तों जी हाँ ये सारी बातें शामिल की गई हैं अब इन्होंने एक बात और कही है दोस्तों ने कहा है कि फंड देने पड़ेंगे आपको यहां फंड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा ठीक है उनका कहना है कि भैया फंड और टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा विकासशील देशों को तो भारत ने स्वागत किया इस बात का बात देखा बिल्कुल सही बात है तो हम भी कह रहे हैं जलवायु न्याय दीजिए पैसा विकसित देश पैसा दें तकनीक दें गरीब देशों को जिससे वहां भी सोलर पावर विंड पावर लगाई जा सके दोस्तों तो भारत ने स्वागत किया इस रिपोर्ट का भारत ने कहा कि हमें तबाही से बचाना है दुनिया को तो अपने कहीं ना कहीं हमें साथ मिलकर काम करना होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा ठीक है दोस्तों तो इस सारी बातें इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं हो पाएगा आर्टिकल दोस्तों आपका ये चलो चलो दोस्तों क्या हो पाएगा टॉपिक तैयार तो ये था आज का तीसरा आर्टिकल दोस्तों आज का लास्ट आर्टिकल यहाँ पर क्लास को रोकेंगे अपनी मुलाकात होगी कल आपके साथ दस बजे और शाम में छः बजे दोस्तों तो शाम में छः बजे कल मिलने वाले हैं आपसे हम लोग तैयार रहिएगा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो नहीं करते हैं तो कॉल करना चालू कर दिए दोस्तों आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाकर इजीली मिल जाएगा आपको जुड़िए मेरे साथ वहाँ पर बाकी कैब प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही शानदार कैब प्रोग्राम जुड़ना चाहें दोस्तों जुड़ सकते हैं कैब प्रोग्राम में अभी भी चांस है आपके पास जुड़ने का जाइए एनरोल कीजिए क्या प्रोग्राम अकेडमी स्टोर से दोस्तों अन अकेडमी जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है हमारा ऑनलाइन स्टोर से आप बाय कर सकते हैं मेरा कोर्स जस्ट इन फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ ठीक है मुलाकात होगी जल्दी आपके साथ अभी दीजिए आ गया थैंक यू शुक्रिया शुभरात्रि